प्रधानमंत्री मोदी ने किया अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन, भारत यूएई संबंधों को मिली मजबूती। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ स्वर्णिम कसाना और आप देख रहे हैं Z10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को यूएई के अबू धाबी में एक भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। ये मंदिर संयुक्त अरब अमीरात में पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर है। इस भव्य आयोजन में यूएई के गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ हजारों भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। इसका निर्माण स्वामी नारायण संप्रदाय के BAPS संस्था द्वारा करवाया गया है। मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 5 वर्षों तक चला और इसकी अनुमानित लागत लगभग $200 मिलियन बताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन समारोह में कहा कि ये मंदिर भारत और यूएई के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये मंदिर न केवल भारतीय समुदाय के लिए आस्था का केंद्र बनेगा बल्कि दोनों देशों के बीच आपसी समझ और सहयोग को भी बढ़ावा देगा। यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने इसी अवसर पर कहा कि ये मंदिर धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि यूएई विभिन्न धर्मों और संस्कृति के लोगों का स्वागत करता है और उनके धार्मिक आचरणों का सम्मान करता है। इस उद्घाटन समारोह में भारत और यूएई के कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस घटना को दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के मंदिर उद्घाटन के बाद भारत और यूएई के बीच रिश्ते और मजबूत बन गए हैं। ये मंदिर न केवल श्रद्धा का केंद्र होगा बल्कि दोनों देशों की संस्कृतियों के आदान प्रदान का भी प्रतीक होगा। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये मंदिर लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करेगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Z10 न्यूज। धन्यवाद।